हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सोनिया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव ड्रीम्स में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिवाइडी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए विदाउट लेट किए हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। डिवाइडी का फुल नेम है डीजीएस डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। डिवाइडी एक इंडियन कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड भी है। ये कंपनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से बिलोंग करती है। कंपनी को 2019 को इंडिया में लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे इसका एक ऑफिस, इसके 7 प्रोडक्ट और 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और टोटल 11 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ उस समय इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। और अगर बात की जाए आज के प्रेजेंट टाइम की, तो आज इस कंपनी की और हमारे पास 52+ प्रोडक्ट हैं। और अगर बात की जाए आज के टाइम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो हमारे साथ 70,000+ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी से काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने सिर्फ इसमें ज्वाइनिंग ही नहीं ली, बल्कि दिल से लगे मेहनत किया और आज यहाँ से सिर्फ हज़ारों ही नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ लाखों लाखों की इनकम कर रहे हैं। सो आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पैन, GST, MCA, ये कुछ कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा और भी रिकॉग्नाइजेशंस अवार्ड हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर होने लगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के मैनेजिंग सिस्टम के बारे में। मैनेजिंग सिस्टम जिन हाथों में है अभी, जो लोग इसे संभाल रहे हैं, तो सबसे पहले नाम आता है मिस्टर अशोक चौधरी सर का, जो कि कंपनी के MD हैं। सेकंड नंबर पे नाम आता है मिस्टर जैन सर का, जो कि कंपनी के CMD हैं। और मिस्टर भरत सिंह सर, जो कि कंपनी के CEO हैं और कंपनी के COO हैं, मिस्टर गोपाल प्रसाद सर। और इन सभी डायरेक्टर्स को नेटवर्क मार्केटिंग का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। यानी कि ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर हाथों में है, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टर्स, लीडर्स और ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे 10 कदम चलने की क्षमता रखते हो तो आपके 90 कदम अपने आप चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सो नाउ मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ यहाँ के कुछ डायनेमिक लीडर्स से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर सिद्धार्थ कुमार गुप्ता सर का। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता सर, जो कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी टीम को लेके लीड कर रहे हैं, अमेजिंग पर्सनालिटी, इनका सिर्फ नाम नहीं काम बोलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर यस.के. यादव सर। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग पर्सन, लाजवाब काम, इनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इनको इतना एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। और भी कई सारे डायनेमिक लीडर्स हैं हमारे साथ, जो कि अपनी टीम वर्क से, अपने मेहनत से यहाँ पे बड़ा से बड़ा इनकम बना रहे हैं, लाखों का इनकम बना रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये इनकम रुकने वाली नहीं है, हर दिन इसे प्लस ही होना है और ये प्लस होते ही जाएगी। तो डिसाइड आपको करना है, तो फिर देर किस बात की। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर आइए दोस्तों, हमारी टीम से जुड़िए और हम साथ मिलके यहाँ पे कुछ बड़ा करते हैं। और कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज दोस्तों आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी, मैं कहूँ तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं, अगर हमारे साथ आप आते हैं, तो हमेशा आप इससे प्लस ही रहेंगे, माइनस हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। सो आई होप दोस्तों कि मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपके जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर कर दिए हैं। और अगर फिर भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करने की। हमें ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, इन हवाओं से तेरी